में सिखाने वाली हूँ एक नया और इंटरेस्टिंग गेम जो है प्लॉट फोर। सो अब मैं सिखाने वाली हूँ प्लॉट फोर कैसे खेलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम है और माइंड गेम है। जस्ट जैसे एक माइंड गेम है वैसे ही प्लॉट भी एक माइंड गेम है। पहले आपको कुछ ऐसे स्टिक्स जैसे मिल जाएंगे, उसे आपको यहाँ पर लगवाना है। कैसे मैं दिखा देती हूँ, ये एक हो गया, ये दूसरा भी हो गया। सो आपको ऐसे लगा लेना है और इसके साथ ऐसी कुछ गोटियाँ मिल जाती है। सो आपको अब क्या करना है, एक ही रूल है, वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैं दिखा रही हूँ। सपोज मैंने लिया ग्रीन, फिर येलो, इसे एक्चुअली टू लोग खेलते हैं, दो लोग खेलते हैं आपस में, इसीलिए यहाँ पे टू कलर्स दिया गया है, येलो और ग्रीन। सो मैं बस समझा रही हूँ। सपोज ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, और ये चार। आपको अपन अगर चार के अगर आपका ओपोनेंट अगर चार हो जाए आपका ओपोनेंट का गोटी, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4, सो आपका ओपोनेंट विन हो जाएगा। और अगर आपके पास चार गोटियाँ आ गई है और आपने कुछ भी करके लगा दिया है चार गोटियों को, सो 1 2 3 4, सो आप जीत जाएंगे। सो बस वही सिंपल सा है, अगर आप समझ रहे हैं मैं एग्जांपल्स के साथ कह रही हूँ। और अब मैं खेलते हुए दिखाऊंगी। यहाँ पे कुछ कोने भी होते हैं, यहाँ से इन गोटियों को लगाना होता है। और अब मेरे पास खेलने के लिए आएंगी मेरी मम्मी। I will start with green. Okay. Then here. And I will win. So meri char गुटिया हो गई है 1 2 3 4, सो मैं जीत गई। ये कोई ज़रूरी नहीं है जो यहाँ पर जो कोने दिए गए हैं पूरा फुल होना चाहिए, बस चार होना चाहिए, 1 2 3 4, चार गुटिया एक साथ लग गई है, मतलब आप हो। फिर से एक गेम फिर से, और अब देखते हैं मैं जीतूंगी या मम्मी। और आप ब्लॉक भी कर सकते हो अपनी गोटियों को लेकर। तो इस बार कलर चेंज अगेन, आई विल स्टार्ट फिफ्थ कॉर्नर। तो ऐसे ब्लॉक करते हैं, अब मैं इसे यहाँ पर देती हूँ, फिर से मुझे ब्लॉक कर दिया। अब मैं एक बार ब्लॉक करूंगी। Yes.
लगता है ये ड्रॉ हो जाएगा। I will win. First say 1, 2, 3, 4. So आप तो अब समझ आ गया है इसे कैसे खेलते हैं और बस एक ही है नियम और इतना सिंपल है ना। So अब मिलते हैं मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो टाटा बाय बाय।